हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ आमा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा सिलेबस का जो वीडियो था, आई होप आप लोग देख लिए होंगे, और मैं उसको लास्ट में अपने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है, एंड स्क्रीन में। तो आज से मैं बात करने जा रही हूँ आपका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे वास्ट, यानी सबसे जो जिसका सिलेबस सबसे ज्यादा है, आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के जो यूनिट फर्स्ट है वो आपकी क्या है, फ्लो ऑफ फ्लूइड। देखो सिंपल सा, पहले मैं आप लोग को बुक बता चुकी हूँ कि जो आपकी है वो कौन सी है, सीवी सुब्रमण्यम, ठीक है। सुब्रमण्यम की बुक है इंजीनियरिंग की, फार्मास्यूटिकल, बहुत ही क्लियर सब कुछ लिखा है वहां पे, आप अच्छे से वहां उसको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज जो चीजें मैं बता रही हूँ आप उसको नोट्स की जैसे बनाते रहो, मैं टेलीग्राम पे भी ये पीपीटी जो अपनी बना दूंगी, शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो देखो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले आपका है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो सबसे पहले आप टेबल ऑफ कंटेंट हम देख लेते हैं कि इसमें मैं क्या क्या बताने जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ मैनोमीटर एंड रेनॉल्ड नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। देखो ये स्लाइड जो है वो थोड़ी सी बड़ी होने के कारण जो रेनॉल्ड नंबर है उसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मतलब कवर कर दूंगी। यहाँ पे सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन यानी फ्लो ऑफ फ्लूड होता क्या है ये बताऊंगी, एंड द टाइप ऑफ द मैनोमीटर, ये मैनोमीटर है क्या, ठीक है, तो ये चीजें डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले फ्लूड क्या होता है, फ्लूड मतलब लिक्विड, यानी कोई भी ऐसा चीज जिसके पास कैपेबिलिटी, मतलब जिसके पास एबिलिटी होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने की, ठीक है। तो अ फ्लूड इज अ सब्सटेंस दैट अंडर एन अप्लाइड शेयर स्ट्रेस कंटिन्यूअसली फ्लो, यानी हम जब उस पर शेयर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जब हम कोई इस पर प्रेशर जो है जब लगाते हैं तो वो क्या होता है, लगातार क्या होता है, बहता रहता है यानी फ्लो करता रहता है, उसको फ्लूड कहते हैं। अब फ्लूड फ्लो क्या होता है, मे बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सब्सटेंस दैट डू नॉट परमानेंटली रजिस्टर डिस्टोरेशन, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब कोई भी पदार्थ जो कि क्या करता है, परमानेंटली रजिस्ट नहीं होता है, यानी रजिस्टर डिस्टोरेशन नहीं करता, यानी कोई भी चीज को रोकता नहीं है, ठीक है। मान लो हमारा लिक्विड है, ठीक है, अब लिक्विड ऐसा तो नहीं है एक ही जगह पड़ा रहेगा, वो लगातार बहता रहेगा, लेकिन सॉलिड जो होगा वो परमानेंटली एक जगह पड़ा रहता है, ठीक है। तो फ्लूड मे बी डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस या सब्सटेंस दैट डू नॉट परमानेंटली रजिस्ट डिस्टोरेशन, ठीक है। द स्टडी ऑफ द फ्लूड कैन बी डिवाइड इंटू द बोथ फ्लूड स्टैटिक एंड फ्लूड डायनेमिक। देखो स्टैटिक मतलब क्या होता है, मतलब जो स्टडी ऑफ फ्लूड होती है उसको डिवाइड किया गया है, या तो ये पहला होता है फ्लूड स्टैटिक, दूसरा होता है फ्लूड डायनेमिक। अच्छा स्टैटिक मतलब क्या हो रहा है, मान लो कोई फ्लूड है जैसे कि किसी बॉटल में है, ठीक है, मान लो आपका कोई पानी है, पानी की बॉटल है, अब उसमें क्या है वो फ्लूड मतलब यानी जो पानी है वो लगा हमेशा क्या भरा हुआ है, मतलब अगर पी नहीं रहे हो, नॉर्मल रखा हुआ है तो वो पानी भरा हुआ है, तो यानी वो स्टैटिक मोशन में यानी रुका हुआ है, ठीक है, जिसे कहते हैं रेस्ट इन इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था, किस अवस्था में है, ठीक है। तो फ्लूड स्टेट इज डील्स विद द फ्लूड इन इज रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था मतलब जैसा है वैसा रखा है। पर फ्लूड डायनेमिक जैसे कि अगर बात करें नदी तालाब या फिर नॉर्मल किसी भी चीज की बात कर सकते हो, जैसे कि मान लो कोई चीज बहती है, ठीक है, वो झील है ना ये सब, तो फ्लूड डायनेमिक इस डील यहाँ पे इस डील्स होगा, इस डील्स विद फ्लूड इन मोशन, यानी फ्लूड डायनेमिक मतलब क्या होता है, फ्लूड अगर क्या है लगातार मोशन में यानी गति की अवस्था में है तो उसको कहते हैं फ्लूड डायनेमिक, ठीक है। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूड स्टैटिक एंड फ्लूड डायनेमिक, विच इज कवर अंडर द फ्लूड फ्लो, ओके ओके। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, देखो अब यहाँ पे क्या है, पहला प्रेशर है, प्रेशर इज अ वेट एग्जर्ट ऑन द एरिया, मान लो ये हमारा क्या है एक क्यूब है, तो क्यूब है, अब ये जो होता है ये हमारा क्या है एरिया है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो अब हम मान लो इसमें कोई लिक्विड है और हमें उसका प्रेशर, प्रेशर मतलब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो फ्लूड में लगता है उसको फाइंड करना है, तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन एरिया, यानी दाब इज इक्वल टू भार अपॉन क्षेत्रफल, ये बहुत मैं हिंदी इतना एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ पर शायद यही होता है, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू, अब हमें पता है वेट इज इक्वल टू एम जी होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो एम जी अपॉन ए हो गया, तो वी नो दैट एम इज इक्वल टू पी वी होता है, ठीक है, एम इज इक्वल टू पी वी, देन प्रेशर इज इक्वल टू पी वी, प्रेशर इज इक्वल टू पी वी एंड पी वी जी अपॉन ए, ओके। तो प्रेशर इज इक्वल टू ये हो गया, उसके बाद फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम वी जो होता है, अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, V इज इक्वल टू एच इन टू ए होता है, तो अब जब आप लोग पुट करोगे V की जगह H अपॉन A, तो A से A तो कैंसिल हो जाएगा और H बच जाएगा, तो P G H आ जाएगा, यानी प्रेशर, एसिलरेशन, ग्रेविटी और H यानी हाइट। तो देखो अब हमें इससे क्या पता चल रहा है, जी इज एसिलरेशन ग्रेविटी होता है और एच क्या होता है हमारा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम होता है, और पी जो होता है वो फ्लूड डेंसिटी होती है, ठीक है, फ्लूड की डेंसिटी मतलब डेंसिटी बोल सकते हैं, फिर
ठीक है, तो मेनली पीनी रो है, रो मतलब फ्लूड डेंसिटी होता है, ठीक है। तो द स्टैटिक फ्लूड प्रेशर एट ए गिवन गिव डिपेंड डज नॉट डिपेंड ऑन द, मतलब क्या होता है वो टोटल मास एंड सरफेस एरिया जो होता है उस पर डिपेंड नहीं होता। देखो एरिया पे भी डिपेंड नहीं, मेन ये क्वेश्चन हमारी ये आई, रो जी एच, रो हमारी डेंसिटी होती है, जी जो होता है हमारे एसिलेशन ग्रेविटी होती है, और एच हमारा क्या होता है हाइट ऑफ लिक्विड होता है, ठीक है। तो देखो आपको दिख रहा है स्टार्टिंग हमारी हुई थी एम जी अपॉन ए से, लेकिन पहुंच कहाँ गया, रो जी एच पे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। तो बस रो जो होता है हमारे क्या डेंसिटी होती है, यानी हमें इससे ये पता चल रहा है कि हमारा एम यानी मास का और ए यानी एरिया का उतना ज्यादा महत्व नहीं है कंपेयर टू डेंसिटी ग्रेविटी एंड हाइट, ओके। तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारा मिलने क्या है कि डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर, यानी अब देखो हमें पता चल गया हमारे मान लो कोई एक बॉटल है या फिर कोई भी चीज है उसमें हमारा लिक्विड भरा है। अब हम लोग पहले ये जो बात करेंगे डिवाइसेस की, ये डिपेंड है फ्लूड फ्लूड स्टैटिक पे। फ्लूड स्टैटिक मतलब फ्लूड जो है जब वो क्या है रुका हुआ है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती है, यानी फ्लूड स्टैटिक पे। तो देखो डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर, एक चीज और बताऊं बीच में थोड़ा सा कि ये वीडियो जो होता है, क्योंकि जो स्लाइड में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो शायद मैं थोड़ा ज्यादा चीज जल्दी बता पाऊँ, ठीक है। क्योंकि अगर कॉपी पेन पे बताने लगो ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी सब्जेक्ट्स का शायद मैं कॉपी पेन पे ही करूंगी, बाकी ऑर्गेनिक और जो इंजीनियरिंग है वो मैं ट्राई करूंगी कि स्लाइड पे कर सकूँ, ओके। जिससे कि आपको सिलेबस मेनली कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि 4 ही महीने बचते हैं, 4-5 महीने, और सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है। तो देखो डिवाइस यूज टू मेजर द प्रेशर, अब जितने भी डिवाइस मैं बताऊंगी यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, वो डिवाइस किस पर डिपेंड करते हैं, फ्लूड स्टैटिक पे, यानी जो फ्लूड रुका हुआ है वो, क्योंकि देखो अब कोई चीज बह रही है हम उसका तो प्रेशर नहीं निकाल पाएंगे ना, लेकिन कोई चीज रुकी हुई है और वो उस बॉटल पे, यानी कोई भी चीज है मान लो कोई बॉटल है, उस बॉटल पे जितना ज्यादा वो क्या कर रही है, एक मिनट मैं समझाती हूँ। देखो मान लो ये कोई बॉटल है, ठीक है, मान लो ये कोई बॉटल है। अब देखो इस बॉटल पे जो है, ठीक है, अब मान लो इस बॉटल के अंदर हमारे क्या है लिक्विड फिल है, ठीक है, बहुत सारे क्या है छोटे छोटे लिक्विड फिल है। अब देखो ये जो लिक्विड है, अब ये जो लिक्विड है इनके अंदर ये जो लिक्विड है ये जो प्रेशर जनरेट कर रही है कहाँ पे, इस बॉटल पे, ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब मान लो वो बह रहा है तब तो हमारा मतलब फ्लो में है अगर लिक्विड, तब तो हमारा प्रेशर कोई हमने मतलब पता कर पाएंगे, लेकिन अब जब क्योंकि क्या है वो लिक्विड बॉटल के अंदर है तो हम लोग क्या करेंगे उसका प्रेशर जो होगा वो मेजर करेंगे। और प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे नॉर्मल कहते हैं कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनको यूज करके हम लोग क्या कहते हैं प्रेशर मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसमें, देखो द डिवाइस यूज टू मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस आर नोन एज द मैनोमीटर, यानी प्रेशर डिफरेंस को जो डिवाइस यूज करी जाती है प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए उसको क्या कहते हैं मैनोमीटर कहते हैं। तो दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैनोमीटर डिस्क्राइब बिलो, द फर्स्ट इज द सिंपल मैनोमीटर, सेकेंड डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड द थर्ड इज इंक्लाइंड मैनोमीटर, ठीक है। याद करो सिंपल डिफरेंशियल इंक्लाइन SDI, सिंपल मैनोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर और इंक्लाइंड मैनोमीटर, ओके। अब देखो सिंपल मैनोमीटर मतलब क्या है, जो चीज सिंपल हो। तो मैनोमीटर आर दोस दैट यूज टू मेजर द प्रेशर एट अ पॉइंट इन ए फ्लूड कंटेन इन ए पाइप, यानी देखो अगर मान लो हमारा क्या है कोई पाइप है, ठीक है, अब उस पाइप में क्या है अगर हम लोग किसी एक ही पॉइंट, मतलब पाइप है उसका दो साइड होगी, एक एंड दो एंड होगा, तो एक एंड जो है अगर उसको बंद करके दूसरे एंड से हम लोग क्या करते हैं सिर्फ दूसरे एंड का प्रेशर मापते हैं तो उसको कहते हैं क्या सिंपल मैनोमीटर, ठीक है। तो इसका यूज किया जाता है फॉर सिंपल। अब देखो सिंपल मैनोमीटर जो होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, पिज्मोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है। तो यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मीटर और पिज्मोमीटर। तो देखो अब सबसे पहले बात करते हैं पिज्मोमीटर की, तो सिंपल मैनोमीटर में सबसे पहले हमारा क्या है पिज्मोमीटर। पिज्मोमीटर क्या होता है, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैनोमीटर व्हिच कंसिस्ट अ ग्लास ट्यूब। देखो आप लोगों को ये दिख रहा है ये ग्लास ट्यूब कंसिस्ट करता है, ये जरूरी नहीं है सर्कल में हो, सर्कल के अलावा ये नॉर्मल भी हो सकता है। तो ग्लास ट्यूब होता है मेनली, ग्लास का बना एक स्ट्रक्चर होता है ग्लास ट्यूब, और हुज वन एंड इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट वेयर द प्रेशर इज टू बी मेजर एंड अनदर एंड इज ओपन टू एटमोस्फियर। देखो अब इसका जो पहला एंड है यानी ये वाला वो एटमोस्फियर में यानी वातावरण में ऊपर की ओर है, और दूसरा एंड हमारा कहाँ पे उस पाइप से कनेक्टेड है जिसका प्रेशर हमें जानना है, ठीक है। तो समझ आया, मतलब ग्लास ट्यूब होती है
और ग्लास ट्यूब का पहला इंड, एक इंड जो होता है वो तो वहां पे अटैच होता है जिसका प्रेशर हमें चाहिए, और दूसरा इंड हमारा एटमोसफेयर में होता है। इट कैन यूज टू मेजरिंग द मॉडरेट प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है, मॉडरेट मतलब नॉर्मल प्रेशर जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। एंड मोस्ट फेमस वन इज द कैसे ग्रेट पेंजमोमीटर, कैसे ग्रेट पेंजमोमीटर जो होता है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फॉर मेजर द पोर प्रेशर इन द ग्रेन्यूल सॉइल, यानी जो सॉइल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर जो ग्रेन्यूल्स यानी छोटे छोटे जो छेद होते हैं, ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे बोल सकते पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनको मेनली मतलब मेजर करने के लिए हम लोग कैस्केड पेंजमोमीटर का यूज करते हैं। अब लिमिटेशन क्या होती है पेंजमोमीटर की, नॉट यूज टू मेजर द गैस प्रेशर, पहला गैस प्रेशर में हम नहीं यूज कर सकते, ओनली सुटेबल फॉर द गॉज प्रेशर नॉट फॉर द नेगेटिव प्रेशर, जो गॉज प्रेशर है जो मेन प्रेशर होता है उसको नापने के लिए हम सिर्फ इसका यूज करते हैं, और ये लार्ज प्रेशर के लिए सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर पेपर में बना करके आना है, देखो ये हाइट होती है, ये वन इन एटमोसफेयर में होता है, ये जो थी ग्लास की मेनली बनी होती है और कनेक्टेड होती है पाइप से जिसका प्रेशर हमें जानना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा इसमें पिज्मोमीटर के बाद यूट्यूब मैनोमीटर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्यूब मैनोमीटर, आपको ये दिख रहा है यू, इसमें देखो क्या होता है मेनली यू शेप की क्या होती है, एक ट्यूब होती है वो, यही क्या होती है हमारा मैनोमीटर होता है, ये मैनोमीटर है, ये जो आपको दिख रहा है इतना ये मैनोमीटर है, ये अगेन एक कनेक्टर होता है पाइप से जिसको हमको चाहिए होता है मेजर करना होता है, और एक इंड हमारा क्या होता है एटमोसफियर में होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब फोल्डर लाइक यू, ठीक है, यू टाइप की क्या होती है फोल्ड होती है, ग्लास ट्यूब होती है जो कि फोल्ड होती है लेटर यू की तरह। इन दिस टाइप ऑफ द मैनोमीटर वन इंड ऑफ द यू ट्यूब इज अटैच्ड टू द पॉइंट वेयर इज अ प्रेशर इज मेजर एंड अदर इंड इज ओपन टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी एक जो होता है वो तो हमारा क्या अगेन वही सिंपल जैसा पहला वाला था कि पाइप से अटैच होता है, दूसरा एटमोसफेयर में होता है, मेनली डिपेंड इन द डेंसिटी एंड ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड यानी डेंसिटी पे और हाइट जो ऊंचाई होती है हाइट पे और डेंसिटी पे जो होता है उस पर डिपेंड करता है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मान लो कोई चीज है प्रेशर वो कितने अंदर तक लग रहा है, ठीक है, तो वो था डेंसिटी। प्रेशर ऑन द पॉइंट बी इज गिवन बाय दिस, जैसे कि मान लो प्रेशर है, अब देखो ये हमारा क्या है पॉइंट ए है, ठीक है, और मेनली यहाँ पे मान लो क्या है प्रेशर हमारा पॉइंट बी है, तो हमारा P इज इक्वल टू रो वन जी एच टू माइनस रो टू जी एच वन हो जाएगा। देखो P हमारा क्या हो गया प्रेशर हो गया, रो वन मतलब डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड, और रो टू जो होगा हमारा क्या होगा डेंसिटी ऑफ हैवी लिक्विड, एंड एच वन जो होगा हाइट ऑफ लाइट लिक्विड और हाइट ऑफ हैवी लिक्विड, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है मेनली जो आपको दिख रहा है ये रेफरेंस लाइन होती है। रेफरेंस लाइन का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टैंडर्ड लाइन, समझ आ रहा है, स्टैंडर्ड लाइन जो होती है उसको रेफरेंस लाइन कहते हैं। तो अभी बात करते हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर की, देखो सिंगल कॉलम ये तो बहुत ही इजी और सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, देखो यूट्यूब पढ़ लिया, यूट्यूब में एक यू नाम यू शेप की मैनोमीटर होती है, सिंपल में हमारा कुछ नहीं होता, वही एक इंड खुला होता है और एक इंड बंद होता है। सिंगल कॉलम मैनोमीटर मतलब इसमें यू या फिर ट्यूब या सब कुछ नहीं होता, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है एक रिजर्वायर होता है, ठीक है, रिजर्वायर जो होता है मेनली वो हमारा सिंगल कॉलम मैनोमीटर में प्रेजेंट होता है। इट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ट्यूब मैनोमीटर विच कंसिस्ट रिजर्वायर हैविंग ए लार्ज क्रॉस सेक्शन आर कनेक्टेड टू वन ऑफ देयर मोनोमीटर लिंब, लिंब मतलब क्या होता है बुझाएं, ठीक है। तो देखो अब रिजर्वायर जो होता है इसमें बहुत सारे क्रॉस सेक्शन जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किससे, मैनोमीटर के लिंब से, यानी ये मैनोमीटर हो गया इसके लिंब से, यानी एक साइड से क्या होता है रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर जो होता है इसी में हमारा यही जो हमारा क्या करता है प्रेशर जो होता है उसके मतलब प्रेशर को मेजर करता है। दिस मैनोमीटर मे बी वर्टिकल और इंक्लाइन, मतलब वर्टिकल भी हो सकते हैं इंक्लाइन भी, थोड़ा सा टेढ़े भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन की बात करें अगर सिंपल मैनोमीटर जो फर्स्ट था हमारा उसमें हेल्पफुल होता है टू मेजर द कंजप्शन ऑफ गैसेज इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना कंजप्शन करी है किसी भी गैस का, ठीक है, तो उसके लिए हमारा मेनली क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ द फ्लोमीटर। फ्लोमीटर मतलब क्या बोल रहा है फ्लोमीटर, देखो क्या होता है अभी आगे आप लोग में है ये ऑरिफिस वेंचुरी मीटर एंड पिटॉट टाइप के कई टाइप के होते हैं, ये न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन होता है, अभी आगे सब बताऊंगी। तो विद द हेल्प ऑफ द फ्लोमीटर, फ्लोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं इसको मेजर करते हैं, किसको, गैसेज इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब इसके क्या डिफरेंशियल मैनोमीटर जो आपका सेकंड टाइप का था। देखो डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है उसमें क्या है मेनली आप लोगों को दिख रहा है डिफरेंशियल, देखो वहां पे हमारा क्या था एक तो एटमॉस्फेयर में था और एक हमारा क्या था पाइप से था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमारा दो जो है वो दोनों पाइप से अटैच होते हैं, यानी देखो सिंपल मैनोमीटर में था
कि हम क्या कर रहे थे, सिंगल पॉइंट डिटेक्शन कर रहे थे, यानी सिंगल पॉइंट मेजरमेंट कर रहे थे किसी भी पाइप में, अगर हमें सिंगल पॉइंट प्रेशर मेजरमेंट करना था। लेकिन डिफरेंशियल मैनोमीटर की खासियत ये है कि हम दो डिफरेंट पॉइंट पे हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं। एक मान लो यहाँ पे भी कर लिया, एक यहाँ पे भी कर लिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इन दोनों के प्रेशर में, वो हम मेजर कर लेते हैं बाय यूज ऑफ द डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर में यू टाइप डिफरें यू ट्यूब डिफरेंशियल है और आपका यू ट्यूब इंक्लाइन, एक इंक्लाइंड है, ठीक है, तो इंक्लाइन तो इसमें बाद में, यू ट्यूब है और ऐसे है, ठीक है। तो दिस मैनोमीटर इज यूजफुल फॉर मेजर द स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, अगर कोई छोटा सा भी डिफरेंस है तो हम उससे इससे मेजर कर सकते हैं। इट इज सेंसिटिव डिवाइस एंड यूजफुल, सिंपल है कि कोई क्या है, ये बहुत ही सेंसिटिव होती है और इस स्मॉल गैस प्रेशर जो होता है उसको मेजर करने के लिए होती है। एक इंपॉर्टेंट कि इसी को क्या कहते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर भी कहते हैं, टू फ्लूड यूट्यूब मैनोमीटर। टू फ्लूड क्या कहते हैं, देखो दो होती है और यू शेप की भी होती है, तो टू फ्लूड यूट्यूब मैनोमीटर भी कहते हैं। अब देखो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, इट कंसिस्ट द टू इमर्सिबल लिक्विड दैट इज ए एंड बी, ठीक है, दो इमर्शियल लिक्विड, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इमर्शियल लिक्विड जो होता है वो कंटेन करता है जिसकी सेम डेंसिटी होती है कहीं 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 ना कहीं, एंड दिस पॉइंट ऑफ द इमर्सिबल लिक्विड आर कनेक्टेड टू यूट्यूब डिफरेंशियल। अब देखो क्योंकि अगर मिजिबल होगा तब तो हमें प्रेशर पता ही नहीं चलेगा, मान लो इमिजिबल है, जैसे कि वाटर हो गया और क्लोरोफॉर्म एज एग्जाम्पल, दोनों आपस में मिलते नहीं है, इमिजिबल मतलब जो आपस में, कोई भी दो लिक्विड जो आपस में मिलते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो वाटर हो गया, यहाँ पे मान लो क्लोरोफॉर्म हो गया, एक हमारा क्या है वाटर मतलब क्या नॉन पोलर हो गया, एक पोलर हो गया, तो दोनों आपस में क्या होते हैं नहीं मिलते हैं, तो हम एक ट्यूब में उसको रखते हैं, एक में इसको, प्रेशर उसका क्या लगते हैं हम पता कर लेते हैं। तो मान लो तो प्रेशर ऑफ द ए मान लो पी ए है और पी पर हमारा क्या है पी बी है, तो हमें आपको पता है प्रेशर डिफरेंस निकाल, कोई भी चीज का डिफरेंस निकालने के लिए हम माइनस लगाते हैं, तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू जी इंटू एच रो जी माइनस रो ए, ठीक है, समझ आ रहा है। अब जी हमारा क्या है एक्सेलरेशन ग्रेविटी इंटू एच मतलब हाइट, और रो मतलब डेंसिटी इंटू ग्रेविटी माइनस डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। तो ये हमारा जो रो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है रो ए होता है, और नॉर्मल रो हमारा क्या होता है डेंसिटी ऑफ हैवी लिक्विड। तो मेनली इसका एप्लीकेशन क्या होता है डिफरेंशियल का, दिस मेजर द रीडिंग विद एक्सट्रीम प्रिसीजन एंड सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है कि मान लो बहुत ही माइन्यूट प्रेशर अगर हमें निकालना है तो भी हम इससे निकाल सकते हैं, मतलब छोटा कम प्रेशर के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्रिसीजन मतलब क्या होता है, प्रिसीजन मतलब एक हिसाब से बताएं जैसे कि बार बार वही रिजल्ट देगा, मान लो आप एक बार प्रेशर लगाया फिर वही रिजल्ट बार मतलब पॉइंट आपका, जैसे मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपकी वैल्यू 5.5 एक बार आई, दूसरी बार भी 5.5 और तीसरी बार भी 5.6 आ गई, तो इसको कहते हैं प्रिसाइज है, मतलब वही रिपीटिंग बार बार हो रहा है, ठीक है, तो इसको प्रिसीजन कहते हैं। तो दीज आर द तो ये रीडिंग जो होती है वो प्रिसीजन रीडिंग देता है, यानी बार बार सेम रीडिंग ही देता है, इसलिए अच्छा होता है। एंड दीज आर द फ्री फ्रॉम द एरर ड्यू टू कैपिलरीज एंड रिक्वायर नो कैलिब्रेशन, यानी कैपिलरीज में प्रेजेंट होती है ना छोटी छोटी ये कैपिलरीज है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है इसमें एरर मतलब गलतियां कम होती है, मतलब सही होता है रीडिंग के लिए, एंड रिक्वायर नो कैलिब्रेशन यानी इनको बार बार कैलिब्रेट नहीं करना, कैलिब्रेट का मतलब पॉइंट पे सेट करना होता है कि इतने पॉइंट पे ही स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब उसकी फिक्स वैल्यू यही है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल एंड दिस टाइप ऑफ थिंग, उसका कैलिब्रेट करना होता है जिससे कि वो सही रीडिंग दे, तो उसको कैलिब्रेशन कम करना होता है, कम कम कैलिब्रेट करना होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है मेनली एप्लीकेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट अब हम बात करते हैं हमारे इंक्लाइन मैनोमीटर की। देखो इंक्लाइन मैनोमीटर मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है ये हल्का सा तिरछा है, एक वापस से एक क्या हमारा एटमॉस्फेयर पे और एक हमारा क्या है जुड़ा हुआ है किससे, किसी जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है। तो इट इज एन अ स्लैंट मैनोमीटर, स्लैंट मतलब थोड़ा सा टेढ़ा, एंड दिस यूज टू मेजर वेरी वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, बहुत छोटा सा मान लो का प्रेशर डिफरेंस भी चाहिए तो हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। एंड इट इज यूज टू इम्प्रूव द सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी को अगर हमें बढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। हालांकि इसका एप्लीकेशन बहुत कम होता है कंपेयर टू सिंपल एंड डिक्लाइन मैनोमीटर, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम अपना जो आज का वीडियो है इसको यहाँ पे रोकते हैं, और आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी तब तक के लिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और नोट्स जो होगा वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो क्या होता है यार एग्जाम आ जाते हैं और फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं ये नहीं किया मैं वो नहीं किया, आप लोगों को बहुत टेंशन होती है ना, तो इसीलिए चीज़ें बहुत ही आसानी से और सिंपल वे में पढ़िए और टेंशन मत लीजिए। देखो ये चीज जो मैं आज बता रही हूँ ना कि वन पॉइंट मेजरमेंट के लिए हम सिंपल यूज कर रहे हैं, डिफरेंशियल को हम लोग टू पॉइंट डिफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं,
इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है कॉम्पिटिटिव में भी पूछते हैं, और आपके एग्जाम के जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछते हैं। तो बस इसी तरह करते जाइए, बाकी मे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।